उत्तर प्रदेश के आगरा ईदगाह फायर स्टेशन में रहने वाले कुक ने अपने सिपाही दोस्त और उनके बेटे पर 9 लाख रुपए की ठगी करने का आरोप लगाया है। पीड़ित कुक ने मामले की शिकायत पुलिस कमिश्नर से की थी। पुलिस कमिश्नर के आदेश पर रकाबगंज थाना पुलिस ने सिपाही सीताराम तोमर और उनके बेटे मोहित तोमर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि की गई शिकायत में पीड़ित गजेंद्र सिंह ने बताया कि वो फायर स्टेशन संजय प्लेस के कुक के पद पर तैनात हैं। ईदगाह से सरकारी आवास में निवास करता है। पहले उनके आवास से कुछ दूरी पर आरोपी सीताराम तोमर का भी आवास था। पड़ोस में रहने के कारण दोनों परिवारों के बीच अच्छे संबंध थे। गजेंद्र ने बताया कि वर्ष 1998 में सीताराम तोमर ने बेटी की शादी की थी। गजेंद्र सिंह से मदद मांगी थी। गजेंद्र सिंह ने मदद की, बेटी की शादी के लिए 3 लाख रुपए सीताराम तोमर को उधार दे दिए। 2 साल तक गजेंद्र अपने दोस्त सीताराम से उधारी के रुपए वापस मांगता रहा, लेकिन सीताराम बहाने बनाकर उसे टालता रहा। कुछ समय बाद सीताराम ने रुपए वापसी के बदले गजेंद्र को प्लॉट दिलाने का वादा कर दिया और कहा कि 5.5 लाख रुपए और दे दो तो प्लॉट का बेनामा तुम्हारे नाम से करवा दूंगा। आरोप है कि सीताराम की बात में आकर गजेंद्र ने नगद और चेक के माध्यम से रुपए का भुगतान कर दिया। अब सीताराम का तबादला दूसरे जनपद में हो गया है, लेकिन अब तक गजेंद्र को ना तो प्लॉट मिल पाया है और ना ही उधारी की रकम वापस मिल पाई है। नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद रकाबगंज पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। पीड़ित गजेंद्र का कहना है कि वह अब तक 9 लाख रुपए सीताराम तोमर और उनके बेटे मोहित को दे चुका है। अपना नाम बता दीजिए और आप करते क्या हैं ये बता दीजिए। गजेंद्र सिंह, हम यहाँ फायर सर्विस में 4th क्लास सर्विस करते हैं। क्या हुआ था आपके साथ? हमारे साथ ये हुआ कि हमारा इनका परिचय था सीताराम का, और इन्होंने अपनी लड़की की शादी के लिए सीताराम ने पैसा मांगा था 6 लाख रुपये। तो मैंने इतना नहीं हो पाएगा तो मैंने 3 लाख रुपये इनको दिया। उसके बाद में इन्होंने फिर बीमार पड़े तब इन्होंने 1 लाख रुपया मांगा। अच्छा, बीच बीच में मांगता रहा पैसा, इन्होंने टाला वाला करते रहे, व्यवस्था कर रहा हूँ, GPF नहीं निकल पा रहा है, उसके बाद में मैं दूंगा। अच्छा, जब इनके पास इतना 4 लाख रुपए पहुंच गया मैं बीमारी के, तो सीताराम तोमर ने कहा ऐसा करो, एक हमारे जानने वाले हैं उनका प्लाट है वो आप ले लीजिए और कुछ पैसा जो बाकी हो आगे ऊपर होगा वो दे दीजिए, बाकी हम उनका दे देंगे। तो हमने कहा ठीक है, प्लाट दिखाया, प्लाट अच्छा लगा मुझे तो मैंने और पैसा दिया। इसके बाद है इसके बाद में मैंने 3.5 लाख रुपए चेक दिया 2 बार में। उसके बाद में कुछ कई 20,000-15,000 करके ऐसे दिया। कुल कितना रुपया आपने कुल दिया? कुल 9 लाख रुपये हमारा पहुंच गया इनके पास। अच्छा, फिर 50,000 रुपये रह गया, 9.5 में तय हुआ था प्लाट, 50,000 रह गया। तो हमने कहा जब बहनामा होगा तो हम दे देंगे। ये सीताराम कौन है, क्या करते हैं? सीताराम तोमर यहाँ सिपाही थे पुलिस लाइन में। जान पहचान कैसे हो गई आपकी? जान पहचान ये यहाँ पुलिस लाइन में रहते, हमारा भी क्वार्टर वहीं था, तो हमारे इनका वहाँ प्लांट पे बैठा उठी होती रही, ऐसे परचे दोस्ती थी, गहरी दोस्ती थी। हाँ जी, दोस्ती में धोखा मिला। प्रातः दर्पण न्यूज़ के लिए आगरा से राहुल सिंह की रिपोर्ट।